हेलो एवरी वन वेलकम टू आई एस पी सी एस सिंप्लीफाइड तो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर सीरीज विच आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन माई चैनल तो तीन चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है घटनाचक्र चक्र हिस्ट्री से तो so, ये चौथा चैप्टर का एम सी क्यू सीरीज़ है ठीक है तो दिस इज द जैनिज्म जैनिज्म को हम इसलिए प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी एग्जाम में हर एग्जाम में ये लगभग पूछा ही जाता है ठीक है तो so, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन वॉज द रिशव देव ठीक है तो, तो मैं क्या कर रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी रीड करूँगा और ट्राई करूंगा कि आपको कन्वे कर सकू जो ये क्वेश्चन कह रहा है ठीक है सो so द फर्स्ट तीर्थंकर आज रिश देव तीर्थंकर वॉज तीर्थंकर उनको कहते थे जो उनके गुरु होते थे द फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन महावीर स्वामी वॉज ट्वेंटी फोर्थ तीर्थंकर

इट्स रिसर्व देव ओके मुविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट वॉज द सेम क्वेश्चन सो आई नीड नॉट टू रिपीट अगेन एंड अगेन सो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्श्वनाथ द जैन तीर्थांकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज ही बिलोंग्स टू वाराणसी सो नाउ आई एम रेडी गोइंग टू रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ इच एंड एवरी क्वेश्चन सो यूड नॉट टू वरी अबाउट दिस लॉर्ड पार्शव नाथ वॉज द ट्वेंटी थर्ड तीर्थंकर जो सारे के सारे चौबीस तीर्थांक थे उसमें तेईसवें तीर्थांकर थे पार्श्वनाथ ऑफ जैन रिलीजन ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी ही वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेना एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी सो बेसिकली ही वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेना एंड एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी ही ऑप्टेंड कैवल्या कैवल्या मीन्स कंप्लीट नॉलेज एक्सेप्टेंस इन आश्रम पद उद्यान नियर वाराणसी एंड ही अटेंड परिनिर्वाण ऑन द माउंट संवाद शिखर और ओके सो दिस दिस ऑल अबाउट ट्वेंटी थर्ड तीर्थंकर फॉलोइंग तीर्थंकर एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो देर आर टोटल कितना है टोटल ट्वेंटी फोर तीर्थंकर सो आपको एक सिक्वेंस याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि कि किसी किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन को कॉन्फ्लिक्टेड बनाना है क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना है तो वो ऐसे पूछ सकते हैं ठीक है तो कौन कौन से तीर्थंकर दिए हैं तो ये देखते हैं अभिनंदन विमलनाथ मुनिशर भरतनाथ एंड पद्म प्रभु सो so, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं 13th, नाथ वॉज फोर्थ तीर्थंकर पद्म प्रभु वॉज सिक्स तीर्थंकर विमलनाथ वॉज थर्टींथ एंडशवता नाथ वॉज ट्वेंटी तीर्थंकर ठीक है सो ऑप्शन वन इज करेक्ट Basically, they they generally for any exam they ask for first first tritankar, second and third tritankar, twenty third and twenty fourth tritankar. So, but you should, uh, as per me, you should remember all the twenty fourth name because you can expect question directly from this. And we cannot help in this. You will have to remember names only. So, where was Mahavira Swami born? Mahavira was Swami wa, was born in Kundagram. Mahavir Swami was born in Kundagram. That is Kundalpur near Vasali.

ब्रेथ हिज लास्ट डेज एट पावापुरी सो महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंड्राम नियर वैशाली इन फाइव नाइनटी नाइन बीसीड निर्वा एट द एज ऑफ अप्रोक्स सेवेंटी टू ईयर इन फाइव ट्वेंटी सेवन बी सी इन पावापुरी पावापुरी इज लोकेटेड नियर राजगृह जिसको राजगीर कहते हैं अभी ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एट देश देशन प्लेस ऑफ महावीर जी दैट इज महावीर स्वामी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड साल्वेशन पीरियड ऑफ महावीर इज लोकेट ऑप्शन राजगीर मनेर राजगीर पावापुरी जलापोर्ट सो इट्स पावापुरी ओब्वियसली पावापुरी इज द सावेशन पीरियड ऑफ साल्वेसन टाइम ऑफ और साल्वेसन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ महावीर स्वामी सो क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डेट महावीर स्वामी अटेंड इन लाइट इट द रिवर वॉज रिजू पालिका mahavir swami attained enlightenment at the bank of river Rizupalika in the village jimbigram okay moving to the next question the word trithankar is related to trithankar is related obviously it is related to jainism okay so here, uh, here in the explanation they have given the, the name of all the 24 trithankara so i'm going to read once because already they can ask question from this the term trithankara is related to jain religion it is known that there are, there were 24 trithankara हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू जैन रिलीजन एंड हु प्रोपोगेटेड जैन फिलोसफी फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है <coughs> आप कौन कौन थे तो फर्स्ट थे ऋषभ देव सेकेंड अजित नाथ थर्ड व संभव नाथ थर्ड व संभव नाथ फोर्थ व अभिनंदनाथ फिफ्थ व सुमित नाथ देन पद्म प्रभा देन सुप्रसवनाथ चंद्र प्रभा सुविधानथ शीतलनाथ श्रेयांशनाथ वाशुपूज्य विमालनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंत, कुंतनाथ अरानाथ मल्लिनाथ मुनीश्वरव्रता नमीनता अरिस्थेनी अरिस्थेमी पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी दीज वेर द ट्वेंटी फोर तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर सो ओबियसली इट्स महावीर स्वामी Which one of the following was not a Jain Tirthankara? Oh, obviously. Let's. Chandra Prabhu was there. Yes. Nemi was also there. Sambhav Nath was also there. So Nath Muni was not there. So option B is correct. Okay. Moving to the next question. Question number thirteen. Pravashgiri is a pilgrimage spot of. It's of Jains. So Pravashgiri is what? Let me read the explanation. Pravashgiri is a Jain pilgrimage site located in. कौशां्बे that is in which is in UP. the site साइड is related to sixth Jain सि जैन तीर्थंकर पद्म प्रभा सो यू शुड नो दिस अबाउट प्रभासगिरी इट्स इन कौशांबे ठीक है मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द जैन द जैन रिलीजन विच द इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटलेक्ट कंप्लीट इंटलेक्ट इज कैवल्या ट इज एक्वायरेंस और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द इंटायर नॉलेज इन दूंटिटी दर्ड द वर्ड कैवल्या फर्स्ट तो यही क्वेश्चन पूछ लिया कैवल्या किससे जुड़ा हुआ वर्ड है ठीक है तो कैवल्या जुड़ा हुआ है जैनिज्म से जैनिज्म से इसका सेंस होता है कंप्लीट इंटेलेक्ट सो हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं जिसका क्वेश्चन आसम आई एस प्रसिन थ्री द वर्ड कैवल्या इज यूज फॉर कंप्लीट नॉलेज That is a complete package of knowledge in the Jain religion. Mahavir Swami obtained Kaivalya that is complete knowledge under a tree of sal on the bank of Palika river near Jimbik village Jim Jimbik Ram. Okay, after the rough austerity and practice of 12 years, he has practiced enlightenment or you can say the Kaivalya. He got the Kaivalya level in 12th year almost. Therefore, this is called Kaivalin. Therefore, he is called Kaivalin. Okay, moving to the next question that is question number 15. So मैच द लिस्ट वन एंड टू करेक्ट गिवन सो त्रिथांकरा गिवेन इन द लिस्ट वन एंड कॉग्निजेंस गिवेन इन द लिस्ट टू सो किस त्रिथांकर को किस चीज से सिंबलाइज करते थे ठीक है तो पहले हम समझते हैं पार्श्वनाथ तो पार्श्वनाथ को हम लोग समझते स्नेक से दैट इज सी थ्री सो सी थ्री विल बी द करेक्ट आंसर सो

करना so, answer. So, answer so, it will, it will पहले मुझे क्या नहीं मतलब जैसे एक क्वेश्चन पकड़ के एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो आसानी से बन जाएगा ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां भी मैच करना तीर्थंक्राज एंडर कॉगिनेशन कॉगिनेशन मीन देर सिंबॉल्स हम किस चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं उनको ठीक है तो चलते हैं अब देखो पार्श्वनाथ मुझे पार्श्वनाथ पता है पार्श्वनाथ का मतलब किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे तो को हम रिप्रेजेंट करते स्नेक से। so, है? Now, uh, आदिनाथ आदिनाथ बुल लायन महावीर एंड स्नेक बुल लायन महावीर एंड स्नेक सो so, आदिनाथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे बुल से ठीक है आदिनाथ बुल स्नेक सो so, अब हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ए हो गया थ्री ए थ्री तो इट कैन बी आंसर डी और इट कैन देर इज नो पॉसिबल ऑप्शन एक्सेप्ट ए एक्सेप्ट डी सो डी इज द करेक्ट आंसर सो यू नोट हेट टू थिंक वेरी मच बट फॉर द एक्सप्लेनेशन पोर्सन लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बट आई विल डू लाइक दिस ओनली बिकॉज आई नो द

देखो कहाँ किसका निर्माण विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच जो करेक्टली नहीं मैच नहीं है अब ऐसा पूछ रहा है नहीं, तो हमको तो करेक्टली कौन सा मैच है ये समझना है ठीक है तो ऋषभनाथ अष्टपाद अष्टपात सही है वाश, वाशु पूज्य समे दिस्कार नेमिनाथ ऊर्जा यंत्रा महावीरा को पावापुरी महावीरा पावरपुरी तो आई एम हंड्रेड परसेंट डायम से तो डी से और है ए से और एंड सी से और है सो बी इज द करेक्ट आंसर सो बी इज नॉट द करेक्टली मैच्ड ठीक है देखो इस तरह क्वेश्चन क्यों इतना डीप में जाकर पूछ रहा है मतलब ठीक डीप में नहीं मतलब चौबीसों में से रैंडम पूछ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का तो अब यूपी बेस्ड अब यूपी की एग्जाम है तो यूपी डोमेन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे जो तो थोड़ा इनटाइटल्ड होगा यूपी से तो हम ये कोशिश करेंगे समझने का कि अगर आप जैसे कोई एग्जाम दे रहे हो तो कौन से जो तीर्थंकर कहां से बिलोंग करते थे और कहा उनका एक तो निर्वाण प्लेस याद कर लोगे फिर डेट ऑफ तो बर्थ याद कर लोगे फिर डेथ डेथ कहां पे हुआ ये याद कर लोगे ठीक है तो ये तुम्हारा ये हमारा काम आसान कर देगा तो हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वाशुपूज्य जो है जो फादर ऑफ वाशुपूज्य भगवान वाज द किंग ऑफ चंपा टाउन इन द भारत सब कॉन्टिनेंट हिज क्वीन वॉज जया देवी बिसाइड्स बींग अ ग्रेट वॉरियर किंग वासुपूज्य वॉज अ कंपैशनेट एंड चैरिटेबल पर्सन ठीक है द क्वीन टू वॉज बेनोवेलेंट एंड सी इंस्पायर्ड द ंग इन हिज चैरिटेबल एक्टिविटी सो इट्स 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 ऑल लाइक अ ड्रीम जैसे कि इनके बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा है ठीक है वाशु पूजा के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं पदमोटार वॉज बॉर्न टू क्वीन जया देवी इट इज सेट दैट वेन द क्वीन वॉज प्रेग्नेंट द किंग ऑफ गॉड्स केम टू कॉन्वे हिज वेनेडेशन टू द फ्यूचर तीर्थंकर एंड हिज मदर ठीक है जब वो पेट में ही थे तभी उनकी माँ को जो जया देवी थी उनको आके, उनको ऑलरेडी गॉड आगे बताए थे कि यह तीर्थंकर बनेगा और यह फ्यूचर तीर्थंकर है एंड हिज मदर इंद्र इज नोन एज व न्यू बॉर्न वॉज नेम्ड वाशुपूज्य ठीक है इंटाइटलमेंट ऑफ नॉलेज द फुलट इज दिटी ऑफ नॉलेज ही अटेंड केवला जना विद इन वन मंथ एक मंथ के अंदर ही उनको सारा, सारा नॉलेज मिल गया ऑफ तपस्या एंड मोक्षा एट चंपापुरी ठीक है तो कहाँ पे वो अटेंड किए थे केवला केवला जना कहाँ अटेंड किए थे एक महीने में अटेंड किए थे कहाँ पे तो तपस्या करके मोक्षा एट चंपापुरी चंपापुरी कहाँ है बिहार ठीक है बिहार में ठीक है आगे बढ़ते हैं द डॉक्ट्रीन ऑफ थ्री ज्वेल्स थ्री ज्वेल्स याद रखना है जैनिज्म में थ्री ज्वेल्स से रिलेटेड डॉक्ट्रीन है ठीक है राइट right फेथ राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इट्स बिलोंग्स टू इट्स क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ जैनिज्म टू द एक्सप्लेनेशन थ्री मीन्स आर सेट टू बी इंपॉर्टेंट फॉर मोक्छा इन जैन फिलासफी राइट फेथ राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज ओके दीज आर नोन एज सो थ्री मीन्स आर सेट टू बी इंपॉर्टेंट फॉर मोक्छा इन जैन फिलोसफी वॉज वेयर राइट फेथ राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज ठीक है दीज आर नोन एज त्रि रत्न इन जैन रिलीजन फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल ओम्स इज कॉल्ड सनवार तत्व टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल ठीक है मतलब किसी से भी बॉन्डेज में नहीं रहना है ठीक है किसी भी तरह का इमोशनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए द डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा इज द निर्जरा एलिमेंट ठीक है वेरी नाइस फिलोसफी एंड वेरी नाइस डॉक्ट्रेन Moving to the next question, question number nineteen. Three Ratna or three jewels, that is right knowledge, right faith, and right actions. Same question are, are related to which of the following? Obviously Jainism. Moving to question number twenty. The correct of Anuvarta. The correct of Anuvarta was advocated by advocated by. The correct of Anuvart was advocated by Jainism. Let me read the explanation. इन जैन फिलोसफी द पर्सन दैट इज मॉन्क्स आर वेरी नी टू अपलिफ्ट देयर सोल्स एंड हेंस दे सेक्रीफाइस ऑल वर्ल्डली एंजॉयमेंट सारे दुनिया का एन्जॉयमेंट को सेक्रीफाइस कर देते हैं एंड क्या अडॉप्ट करते हैं पांच ग्रेट वर्ताज दैट इज पांच ग्रेट वर्ड्स को वो इंजॉय वो करते हैं वाउज करते हैं ठीक है क्या क्या है तो देखते हैं महावरताज क्या क्या है अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अष्टेय एंड अपरिग्रह ठीक है दीज महावर्ताज आर डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस बाई एवरेज ह्यूमन देखो एवरेज ह्यूमन तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जैन हो जो इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं सो दे फॉलो अनुव्रत अगर अगर वो महावर्थ्स को नहीं फॉलो कर पाते हैं एवरेज ह्यूमन तो क्योंकि ब्रह्मचर्य हर लोग फॉलो नहीं कर सकता ठीक है सत्य हमेशा बोल के रख रह नहीं सकता है ठीक है और अहिंसा आह, ठीक है समझ में आता है अहिंसा कर सकता है बट ब्रह्मचर्य अष्टे अन अपिग्रह अपरिग्रह थोड़ा थोड़ा सा टफ है ठीक है दीज महावर महा अब उसके बाद जो नहीं कर पाते हैं महाव्रत को वो अनुव्रत करते हैं अनुव्रत में क्या क्या आता है अहिंसा अनुव्रत सत्य अनुव्रत ब्रह्मचार्य अनुव्रत अष्ट अनुव्रत एंड अपरिग्रह अनुव्रत इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कम होता है ठीक है एज कंपेयर टू महाव्रत्स में ठीक है अब हम लोग आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं तो क्या है स्यादवाद इज अ डॉक्टरीन ऑफ ओबियसली इट्स ऑफ जैनिज्म So question number 21 is Sayadvad is a doctrine of obviously Syadvad is a doctrine of Jainism, but let me explain it. Mahavir Swami was the 24th Tirthankar of Jain religion. He denied the unmanliness of Vedas and opposed related social culture, tradition, and humbugs by leaving the exclusive belief of selfists and atheists. He accepted the middle path known as anik Anikantvad. middle path known as anikanthbad, or this is also known as Seadvad. Seadvad is also known as as the name of Sapthaginya Naya, which means knowledge is relative. So no knowledge is compared. No knowledge is very bigger. No knowledge is very very giant. It's just knowledge is the relative. Moving to the next question, which of the following doctrine are associated with Jainism? So Jainism was related with the doctrine of Anekantvad. Anik okay, Anekantvad. So सर्वस्तीवाद नो शून्यवाद नो स्यादवाद स्यादवाद और अनेकांतवाद सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन एंड फोर मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट लेट मी सी इफ इफ वी नीड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट नो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड स्यादवाद इज रिलेटेड टू इट्स जैनिज्म सो यू नीड टू नो विच टर्म इज रिलेटेड टू विच ओके सो अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी ऑफ एंड फिलॉसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनिकांत वाद इज द कोर थ्योरी ऑफ फिलोसोफी जेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज सफ्तभंगी थोरी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव विथ रेफर रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया स्थानकसी बिलोंग्स टू इट्स बिलोंग्स टू जेनिजम ओके स्थानक वसी इज अट ऑफ स्वेताब्रा जेनिज्म दिगंबर टू टाइप ऑफ जर्निज्म But they belong to Swetambar Jainism, and it was founded in 1653 A.D. This sect originated from its predecessors, reformist sect Longka that was found by lonkesha It believes that idol worship is not essential in the path of soul. Idol worship is not essential path in the path of soul purification and attainment of the Nirvana. Okay, moving further to the next question 26. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by it, the world is created and maintained by the universal laws so reading its explanation as per the jain belief universal laws as per the jain belief universal law is the essential and real form of, uni, of the universe the universe and all its substances are eternal that is everlasting all substances gradually changes all substances gradually changes previous forms gives away to the new ones previous ones give away to the new ones without losing their inherent qualities ठीक है जैन बिलीव्स दैट द यूनिवर्स इज विदाउट बिगिनिंग और एंड मतलब जो अभी खत्म हो रहा है वही किसी और फॉर्म में फिर से आ रहा है और वो अपने सब जो भी जो दूसरा बन के आ रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रहा ठीक है सो दे बिलीव्स दैट दैट द यूनिवर्स इज जस्ट जैन्स बिलीव दैट द यूनिवर्स इज विदाउट बिगिनिंग और एंड द यूनिवर्स डिड नॉट बिगिन एंड एंड एट अ टाइम ठीक है देर इज नो नीड ऑफ सम अलमाइटी टू क्रिएट अ मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स ठीक है द यूनिवर्स रन ऑन इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्मिक लॉज लॉज ऑफ नेचर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन विच आर दिलीजन ऑफ फाइनल एनिलेशन ऑफ द वर्ल्ड मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो खत्म होगा फिर से कोई उसको एक चमत्कार होगा और कुछ एक बहुत बड़े कोई पावरफुल आदमी होंगे अगर कोई एक पावरफुल गॉड होंगे वो फिर से क्रिएट करेंगे नेचर को ऐसा कुछ नहीं है ये नहीं मानना है जैनिज्म में उनका कहना है कि सेप्टिजन ऑफ है ही नहीं वो उनका मानना ही नहीं तो इनका नहीं मानना है तो नहीं मानते बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्मी नॉन वायलेंस एंड डिसनिज्म बुद्धिज्म जेनिज्मज ऑल्सो नोन एज रिलीजन ऑफ अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस अहिंसा अहिंसा सुपर सीट्स ऑल कंसेप्ट मतलब अहिंसा एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर चीजों को पीछे छोड़ देता है हर कंसेप्ट आइडियोलॉजीज रूल्स कस्टम्स एंड प्रैक्टिस अहिंसा अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह आर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जेनिज्म सो अगेन रिपीटिंग ऑन दिस अहिंसा अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह आर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जेनिज्म मेन बेसिक एंड स्टैंडर्डी और कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ठीक है यापानिया वॉज द सेक्ट ऑफ बी इट्स ऑफ जेनिज्म यापानिया यापानिया वाज यापानिया वाज अ सेक्ट ऑफ जैन रिलीजन व्हिच इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्राम दिगाम्बर्स बिलोंग टू दिगाम्बर्स यापानिया सेक्स बिलोंग्स टू दिगाम्बर्स हाउवर दे आर आल्सो यूज्ड टू फॉलो सर्टेन स्वेतम्बर ओपिनियंस कुछ स्वेतम्बर ओपिनियंस भी कैरी करते थे बट लेकिन माना जाता है कि यापानिया सेक्ट्स जो थे वो जैन रिलीजन से बिलोंग करते हैं बट द यापानिया वर्शिप्स न्यूड इमेजेस ऑफ द तीर्थंकर देर टेम्पल्स ठीक है अब आगे बढ़ते हैं विच आर द फॉलोविंग द

भूत विजय एंड भद्रबाहू वे आर द प्रेसिडेंट ऑफ दिसा दिस टू वेयर द लास्ट टू प्रोसेस नॉलेज अबाउट द एंशियंट जैन टेक्सिस जो कि फोर्टीन पूर्वाज थे गिवन बाय महावीरा ठीक है तो याद रखना फोर्टीन पूर्वाजर वॉज द एंशियंट जैन टेक्स गिवन बाय द महावीरा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द अर्ली अर्लिएस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो पुट इट इन द बॉक्स सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द अर्लिएस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड सो इट वॉज इन अर्ध मघ ही मगधी अर्ध मघधी सो द अर्लिएस्ट चैन लिटरेचर कंपाइल्ड इन अर्ध मघधी ओके लेट मी रीड द एक्सप्लेनेशन एज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द इनिशियल रीजन ऑफ जैन रिलीजन हैज बिन हैज बिन रिटेन इन द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ प्रकृत लैंग्वेज ठीक है प्रकृत लैंग्वेज का स्पेशल ब्रांच है स्पेसिफिक ब्रांच है ठीक है इट्स ट्वेल्व अंगाज आर इन अर्ध मगधीज These holy books were finally compiled in the 6th century AD at Vallavi near Gujarat. Vallavi is in Gujarat. Today the Jain literature has been translated into, translated into almost every language available in India. Which of the following place is known as the place of pilgrimage? Place of pilgrimage because of being related to Parsavnath. It's related to the place is Samet Sikhar. let me read the explanation about Samet Sikhar. Parshvanath was the 23rd Tirthankar of Jainism. Parsamnat was born to King Ashushena and Queen Vama of Varanasi in 850 BC. He belongs to the Ikshvaku dynasty. Ikshvaku dynasty. He lived as the formal prince of Varanasi. He lived as a formal prince of Varanasi. And at the age of 30, he renounced the world to become a monk. He meditated for 84, 84 days before attaining Kevala Jana, that is, universe, entire knowledge. He achieved एट सामेद शिखर दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज प्लेस ऑफ पिलेज फॉर ओके, मूविंग टू द पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर ठीक है तो थेगेरी गाथा इज नॉट द पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर द थेरी गाथा इज द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन विच द अर्ली नन्स दैट इज होती थी Recount their struggle and accomplishments along with the road to spiritual attainment. Their stories are told with often heartbreaking honesty and beauty, revealing the deeply human sides of these extraordinary women and thus serves as inspiring reminders of our potential to follow in their footsteps. Rest are the part of Jain scripture. So, Brihat Kalp Sutra, Sutra Kritanga, and Akranga Sutra. डीज थ्री बिलोंग्स टू जैन जैन लिटरेचर ओके जीज थ्री बिलोंग्स टू जैन लिटरेचर एंड थे बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी फोर इज द क्वेश्चन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द स्वेताबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टिजम ऑफ द जैन क्रीड ओके तो पहले स्वेतंबर के कौन से वो थे फाउंडर थे ठीक है तो सिंपल इट ही वॉज स्थूलभद्रा ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Let me read the explanation as I have I have not differentiated the both, Switambar and Digambara. About 150 years after the Lord Mahavira's departure, okay? when Bhadras Swami was the head of the religious order and and Nanda dynasty was ruling over Magda, Patliputra was the greatest epicenter of the Jainism. That is the Patliputra, the capital city, become the center of learning and knowledge. At the time, they, there occurred a severe famine. जो 12 साल तक चली थी दैट सीम्स टू हैव रेज फॉर टुवेल्व लॉन्ग ईयर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ ऑफ शॉर्टेज एंड स्कॉसिटी इट वॉज हार्ड फॉर द जैन मॉन्स टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द लॉर्ड ठीक है अब इतना ज़्यादा वो फाइन आ गया था कि अब उन उनको जो उनके जो एथिक्स थे जो जो चीजें कंटिन्यू करना था कोड ऑफ कंडक्ट्स को उसको वो कर नहीं पा कर नहीं सकते थे क्योंकि 12 साल का फेमाइन बहुत बड़ा फेमाइन होता है ठीक है तो क्या हुआ भद्र स्वामी देर फॉर डिसाइडेड टू तो माइग्रेट जो स्वामी थे वो डिसाइड किया कि नहीं अब हम यहाँ नहीं रह सकते अब हम लोग माइग्रेट करके साउथ की तरफ चलते हैं ठीक है डिसाइड टू माइग्रेट टू द साउथ अलॉन्ग विथ मेनी फॉलोअर्स फॉर दोज हु स्टेड बिहाइंड इट वॉज हार्ड टू रिमेंबर एक्यूरेटली वॉट एवर द लर्न वेनरेबल स्थूलभद्रा द मोस्ट ऑफ दोस्ज हुए इन द नॉर्थ यूज टू कवर देअर बॉडीज विथ अ प्लेन वाइट क्लॉथ तो जो भी रह गए थे देखो भद्रवाहू तो चले गए साउथ की तरफ बट जो रह गए थे उनके जो स्थलभद्रा थे जो मेन थे स्थूलभद्रा वो क्या करते थे वहां पर जो रह रहे थे जो नॉर्थ साइड में वो एक प्लेन वाइट क्लॉथ धारण करने लगे पहनने लगे वाइल दोस्त हुईग्रेटेड विथ भद्र भद्रस्वामी भद्र भद्रश्वामी, भद्र स्वामी वे आर मोस्टली अनक्लैड ठीक है द लेटर टुक प्राइड इन देयर बींग ट्रू अनक्लैड

जमाली मेट महावीरा कुंडलेज दाव टूगेदर विद हंड्रेड ऑफ दॉरियर कास्ट जमाली वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा सो जमाली वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर टू देशन थर्टी सिक्स द फर्स्ट फॉलोर ऑफ महावीरा अगेन सेम क्वेश्चन जमाली स्वेताम्ब्रम आगाम

Their compilation happened in first council held in Patliputra not in Vallabhi, Gujarat. So, the first compilation that has, ha has been held, the first council that has been held in Patliputra not in the Vallabhi, Gujarat. And it has happened and it was organized about 310 B.C. So, option D is correct. So, moving to the next question. So, consider the following statements. Vardhman Mahavira's mother was the daughter of Lichvi King Chetaka. So, this is absolutely wrong. गौतम बुद्धा मदर वॉज द प्रिंसेस फ्रॉम कोलियाण डेनेस्टी दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट पार्श्वनाथ द ट्वेंटी थर्ड तीर्थांकर बिलोंग्स टू बनारस दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो ऑप्शन टू एंड थ्री इज करेक्ट सी डज़ नॉट सी डज नॉट बिलोंग्स टू द लिचवी किंग चेतका सो ऑप्शन टू एंड थ्री इज करेक्ट मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन महावीरा वॉज बॉर्ड इन फाइव नाइंटी नाइन बी सी इन द विलेज नेम कुंडग्राम नियर वैसाल इन बिहार महावीर ओरिजिनल नेम वॉज वर्धमाना हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ दफ द गायत्री छत्रिका क्षत्रिय क्लैन ठीक है गायत्री का क्षत्रिय का क्लैन अंडर वज्जी ऑफ वैशाली एंड इज मदर त्रिसला वॉज द सिस्टर ऑफ चेतका सी वॉज द सिस्टर ऑफ चेतका द किंग ऑफ लिचवी महावीर वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू विम्बिसार द रूलर ऑफ मगध हु मैरिड चेलना द डॉटर ऑफ चेतका ओके सो दिस इज द प्रॉपर एंड प्योर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन लॉर्ड गौतम बुद्धा मदर माया सुधोधना वाइफ वॉज द कोलियन प्रिंसेस कोलियन थी पार्शव नाथ वॉज बॉर्न इन द बोर्न टू द किंग अश्वसेना एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी नेक्स्ट क्वेश्चन सो विथ रेफर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जेनिज्मंडिया अंडर दीडर्स ऑफ इस थुल्सोल्यूटली रॉन्ग इट्स भद्र बाहू द जैन हू रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बाू कॉल्ड स्वेत After the council held in Paran. this is also wrong. They were Digambers. So, Jainism enjoyed the patronage of Kalinga king Kharvela in the first century BC. Yes, this is correct. Jainism enjoyed the patronage of Kalinga king Kharvela in the first century BC. Fourth option is in the initial stage of Jainism, the Jains worshipped images unlike Buddhist. Sorry, this is wrong. So, read to the explanation. Option C is correct. Yes, Jainism enjoyed the patronage of the Kalinga king Kharvela in the first century BC. द्र बाहु स्वामी स्प्रेट जेनिजम इन साउथ इंडिया देर फॉलोअर्स आर कॉल दि ग्बर्स कलिंगा किंग खारवेला कलिंगा किंग खारवेला वॉज द फॉलोअर ऑफ जेनिज ही गेव पेट्रोन टू दें जेन मॉन्स एंड डोनेटेड टू देर फॉर देयर लाइवलीहुडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्टर जैन डॉक्टर के लिए कौन कौन सा एप्लीकेबल ये पढ़ते हैं हम लोग ठीक है कर्मा इज टू प्रैक्टिस फेनासियस दिस इज एब्सोलूटली करेक्ट द श्योरेस्ट वे अगर आपको कर्मा को एनिलेट करना है तो आपको फेनास को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज ए सोल मतलब उनका मानना है कि इवन देखो कहा जाता है कि जैन खेती वेती नहीं करते एग्रीकल्चर नहीं करते उनका सीजन सबसे बड़ा यही है कि वो उनका मानना है कि अगर मैं खेती करूंगा तो उस जमीन को जो जिनको मैं खेती करने के लिए वो करूंगा डग करूंगा तो उससे बहुत सारे जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेजम रहते हैं वो मर जाएंगे सो so इसलिए अगर वो खेती नहीं करते हैं दूसरी बात है वो मुंह मुंह के आगे कपड़ा बांध के रखते हैं तो वो भी उसका भी एक वजह है कि अगर मैं कुछ करता हूं अगर मुंह ढका ना हो कुछ चला गया कुछ मर गया कहीं कुछ गलती से किसी को वो इनहेल कर लिए इसलिए भी वो रखते हैं ठीक है सो so, उनका मानना है कि हर एक पार्टिकल में सोल है सो दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट थर्ड वन इज कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी इंडेड दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट सो लेट मी रीड अगेन लेट मी रीड द एक्सप्लेनेशन ओनली

दिस चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज नोन एज कर्मा ठीक है इट फॉलोज दैट द स्टेट ऑफ द सोल एट गिवन टाइम इज ड्यू टू द कमा एक्मलेटेड ओवर काउंटलेस एजेस कर्मा कर्मा नॉट ओनली इन इनकम पासिस द कैजलिटी ऑफ ट्रांसग्रेशन ट्रांस माइग्रेशन बट इट ऑल्सो कंसिव एज एन एक्सट्रीमली सप्टल मैटर दैट इन्फिल्ट्रेट द सोल ऑफ स्क्योरिंग इट्स नेचुरल ट्रांसपेरेंट एंड प्योर तो सीधी सी बात है जैनिज्म जो है वो कर्म में बिलीव करते हैं कहते हैं कि अगर आपका कोई भी छोटा सा एक्शन छोटा सा थाट्स छोटा सा डीड्स जो भी या छोटा सा वर्ड्स है वो आपको कंसिक्वेंस में री re रिटर्न मिलेगा हंड्रेड परसेंट मिलेगा और ये इसी वक्त मिलेगा और यही इसी को कर्मा कहते हैं वो ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू समाधि मरण समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी इट बिलोंग्स टू जैन फिलोसफी समाधि मरण सल्ले खाना एंड संन्यासा मरण समाधि मरण मतलब समाधि लेके मर जाओ सल्ले खाना संन्यास मरण इज द लास्ट वो प्रिस्क्राइब बाई जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इनमें क्या कहते हैं कि अगर आपको बॉडी से सोल को निकालना है तो समाधि मरण कर लो या फिर सल्लेखाना कर लो मतलब उसमें बिना खाए पिए आपको मेडिट्रेट करना है और जिंदगी भर मतलब एक जैसे पोजिशन पर रहना है सन्यासन मरण इज द लास्ट वो प्रिस्क्राइब जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दिस वो समाधि मरण इज ऑब्जर्व बाई जैन एस टी एसेटिक्स एंड ले वॉटर इज एट द एंड ऑफ देयर लाइफ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड मतलब धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके जो खाना पी खा रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं उसको कम करते चलना है धीरे धीरे करके अपने बॉडी को परित्याग कर देना है त्याग कर देना है इट इज़ अलाउड वेन नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू ओल्ड एज इनक्यूरेबल डिजीज और वेन अ पर्सन इज नियरिंग इज एंड वेरी रिस्की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इकास वाकू रूलर ऑफ सदर्न इंडिया वेयर द एंटेगोनिस्ट टू वर्ड्स बुद्धिज्म ठीक है करेक्ट वाकू रूलर ऑफ सदर्न इंडियागोनिस्ट नो दिस इज नॉट करेक्ट द पैला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वेयर पेट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म येस दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट पैला वेयर द ग्रेट एडमायर ऑफ बुद्धिज्म सो ऑप्शन टू इज करेक्ट सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट सो लेटमी रीड द एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द थर्ड सेंचुरी बीस थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी इकावाक्सू डायनेस्टी रूल्ड ओवर द सदर्न इंडिया दो इकावावाक्सू ऑफ सदर्न इंडिया फॉलोड ए वैदिक रिलीजन बट ऑल्सो सपोर्टेड द बुद्धिस्ट रिलीजन सो दे वर नॉट द एंटेगोनिस्ट देर वी आर द बिलीवर ऑफ बुद्धिस्ट एंड दे हाईली सपोर्ट द बुद्धिस्ट रिलिजन बंगाल इमर्ज एज द प्रामिनंट न्यूक्लियस ऑफ बुधिजम ड्यूरिंग पाला डायनेस्टी इट वॉज ड्यू टू द सोर्ट ऑफ पाला रीजन बिहान बुद्धिस्ट पाला रीजन बिहांड बुद्धिस्ट ठीक है बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे और उनको बहुत प्रोपिगेट करने की कोशिश करते थे सो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग एंड अ स्टेटमेंट टू इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अजीविका सेक्ट वॉज द फाउंडेड बाय मकाली घोषाला है सो मक्का घोषाला वॉज अ डिसाइपल ऑफ ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ महावीरा इन द अर्ली पीरियड लेटर फिल आउट विथ महावीरा ड्यू टू द इंडिफरेंस एंड ओपिनियन सो मकाली घोषाल कहते थे ये डिसाइपल थे महावीरा के ठीक है ये बहुत बड़े फॉलोअर थे महावीरा के लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ इनको इनके और महावीरा के थॉट्स में डिफरेंसेस फील होने लगा जिसके कारण ये एक अपना एक अलग सा सेक्ट बना लिया जिसको जिस सेक्ट को कहते हैं हम लोग अजीविका सेक्ट अब देखो ये खुद ही फाउंड किए हैं आजीविका ठीक है मकाली घोषाली फाउंड किए हैं द बिलीफ ऑफ दिस सेक्ट इज नोन नियतिवाद सो so, आजीविका सेक्ट का क्या बिलीफ है तो नियतिवाद अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इन दिस वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी तो इनका क्या कहना है कि देखो जो भी हो रहा है आप सब कुछ छोड़ दो लेकिन जो लिखा है वही होगा तो नियति वाद पे मानते हैं मतलब जो भी वर्ल्ड में हो रहा है वो कंट्रोल्ड एंड ऑपरेट बाय डेस्टिनी हो रहा है कि किसने कहा था तो मक्का कौशल है मक्का गौशल वॉज द डिसाइपल ऑफ मावीरा दीज रेंडर्ड द फेट असाइंस एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकेबल तो इनका मतलब यही है कि आप बैठो आराम से खाओ पियो जो करना है करो आपका फेट ऑलरेडी लिखा हुआ है ठीक है सो so, माल्याया भागेगा या पहले से पता था मोदी पीएम बनेंगे पहले से पता था बस आपको आराम करना था गुजरात में ठीक है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट दिस वर वेयर द थॉट्स एंड ऑफ अजीविकास सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द सेक्ट विच बिलीव इन अबाइडिंग द नेचर ऑफ डेस्टिनी अबाइडिंग द नेचर ऑफ डेस्टनी वॉज अजीविकास मकाली द रूल सेटर ऑफ अजीव एक्ट मैथ द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू फॉलोइंग क्वेश्चन द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू गिवेन सो वॉट आर आस्किंग अबाउट इज दैट सो लकुश लकुलिशा नागार्जुना भद्रबाहु एंड गोशाला सो वी नीड टू मैच द करेक्ट आंसर सो लकुलिशा विल बिलोंग्स टू शून्यवाद विल एक्सेप्ट द शून्यवाद ओके सो एज टू सॉरी लकुल ईशा विल बिलोंग्स टू पशुपत सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बी कंडक्टेड बाय नागार्जुना नागार्जुना आंसर कैन बी बी एंड सी सो ना भद्रबा भद्रबाह बिलोंग्स टू जैन ओबियसली भद्रबा बिलोंग्स टू जैन सो सी विल बिलोंग्स टू फोर सी बिलोंग्स टू फोर सो दिस इज द राइट आंसर सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लेट मी रीड द एक्सप्लेनेशन लक लकू पशुपत डॉक्टरीन से बिलोंग करता है एंड अचार दीज वेर द नेम्स ऑफ अचार्याज एंड डॉक्टरिन वेर दे दे बिलोंग्स सो लकुलिशा बिलोंग्स टू पशुपत नागार्जुना बिलोंग्स टू सुन्यावाद भद्रबा बिलोंग्स टू जैन गोशाला बिलोंग्स टू अजीविका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट टी नो दैट इज आचार्या एंड फ्रॉम विच डॉक्टरी दे बिलोंग्स सो लेट मी रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन लकू बिलोंग्स टू पशुपत डॉक्टरीन नागार्जुनाज आचार्य बिलोंग्स टू द्रवाग टालाउस दिस वेयर सेल्टर्ड बाई अजीविकास अजीविकास बाय मकाली घोषाल द एक्ट ऑफ कटिंग द माउंटेन केव्स जैसे ऐसा एक केव होता है एक माउंटेन होता है तो उस माउंटेन को ये लोग कट करते हैं ठीक है इसको बीच से कट करेंगे इस तरीके से यहाँ से बीच से ऐसे कट करेंगे बीच में और स्पेस बना के उसमें मतलब एक कंप्लीट ट्रॉक को कट करके केव बनाया जाता है सो द एक्ट ऑफ कटिंग द माउंटेन्स केव्स एंड डेवलपिंग देम एज रेसिडेंस वॉज फुल्ली डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका द ग्रेट अशोका एंड हिज ग्रैंड सन दसरथा रेसिडेंस वे आर मेड फॉर अजीविकाज फॉलोअर्स आफ्टर कटिंग द हिल्स ऑफ बराबर एंड नागार्जुनी केव ऑफ सुदामा एंड कर्न चौपद ड्यूरिंग द अशोका इरा

देयर आर इन ऑल फोर केव्स ऑफ द बराबर केव्स ठीक है देखो बराबर केव में चार गुफाएं हैं ठीक है।, है सुदामा केव्स अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया केव्स ऑफ सुदामा है कर्ण चौपड़ है और भी बहुत सारा है इसमें नागार्जुन हिल है नागार्जुन हिल में भी है बहुत सारी केव्स बट यहाँ पे चार केव्स है बराबर केव्स में चार केव्स है ठीक है अब देखो देयर आर इन ऑल फोर केव्स ठीक है ये सही है करेक्ट है ठीक है इंस्क्रिप्शन ऑफ अस्कार फाउंड इन द वॉल्स ऑफ थ्री केव्स बिल्कुल अशोका के टाइम में ही ये लोग वहां पर शल्टर लिए थे तो अशोका का ही इंस्क्रिप्शन है वहां पे ठीक है इंस्क्रिप्शन ऑफ असूकार फाउंड इन द वॉल्स ऑफ दिस बिल्कुल सही है दिस इज ऑल्सो करेक्ट ए ऑल्सो ए एंड बी इज करेक्ट मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट ऑप्शन दीज इंस्क्रिप्शन इन अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू द अजी विकास यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट दे बिलोंग्स टू अजी विकास सेक्ट्स सो दीज इंस्क्रिप्शन डेट बाई दिक्स सेंचुरी दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग दिस इज नॉट करेक्ट सो ऑप्शन डी इज डी इज रॉन्ग एंड वी विल हैव टू चूज which option is not true so our uh, answer will be d okay moving to the next moving to the explanation part barabar caves were located at the distance of approximately 30 kilometers from gaya gaya district gaya is a district in bihar where rubber dam has been built Theek hai? these caves were hewed out from the rocks for monks to live in there are four caves on the barabar hills out of which inscription of Ashoka are found on the walls of three caves केव में अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं दीज केव्स वे यूज बाय एक्सेटिक्स फ्रॉम द अजीविका सेक्ट फाउंडेड बाय म काली घोषाल ऑब्वियस आई रॉक्स कट केव्स आर रिलेटेड टू द मॉरियन पीरियड दीज रॉक्स कट केव्स आर रिलेटेड टू द मॉरियन पीरियड थ्री टू फाइव बी चंद्रगुप्त मौर्य इंस्क्रिप्शन ऑफ दीज केव्स डेट बैक ऑन थर्ड सेंचुरी बी सी थर्ड सेंचुरी बी सी नॉट दिक्कस सेंचुरी बी सी सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज टर्म्स दीज डेट्स एंड दीज फिफ्टी द फेमस प्लेग्रमेज ऑफ बुद्धि एज वेल एज फॉर जैन इन उत्तर प्रदेश सो दिस यूपी वेस्ट एग्जाम सो यू नीड टू नो अबाउट द्लिग्रमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज एज ए कॉमन प्लेग्रमन प्लेग्रमेज सो इट कौशाम्बी द प्रेजेंट कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ प्रयागराज ऑन फोर्थ अप्रैल सो इसको हटा दिया गया प्रयागराज से उसको अलग बना बना दिया गया ये लोकेटेड है थर्टी थ्री माइल अवे फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ प्रयागराज कौशाम्बी हैज़ बिन मैंसन सेबरल टाइम्स इन वैदिक एंड जैन लिटरेचर अकॉर्डिंग टू पुरान्स निकाक्सू दिक्कस ऑफ द लाइन फ्रॉम परीक्षिता ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम हस्तिनापुर टू कौशाम्बी एज हस्तिनापुर वॉज रेविस्ड बाई द फ्लड इन विजन ऑफ लॉकस्ट लॉकस्ट एंड अफिवल्स ऑफ द कुरू फैमिली ठीक है इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट अब जैन के बारे में क्यों रिलेटेड ये जानते हैं कौशाम्बी वॉज ने कौशाम्बी वॉज नेम्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कौशाम्ब्री इन द टाउन इट इज द फेमस पिलग्रमेज साइट ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट अब पढ़ते हैं क्यों अब फेमस है तो महात्मा बुद्धा प्रिस्ड मेनी टाइम्स इन दिस सिटी महात्मा बुद्धा प्रिस्ड मेनी टाइम दिस सिटी एंड मेड अ नंबर ऑफ डिसाइपल्स देयर देर देर वे आर मेनी मोनेस्ट्रीज फाउंड हेयर बट द मोस्ट फेमस अमाउंट देम वॉज घोष घोषित राम घोषित राम मॉनेस्ट्री विच वॉज बिल्ड बाय श्रेष्ठी घोषित ठीक है Moving to the next question, I think this is the last question of the Jainism or the Ancient Indian History part, chapter 4. Which of the following statement is not correct? We are asking about not correct, so let me dug this. Not correct. The statue of Gomteshwara at Servan Gola represents the last Trithankar of Jainism. ठीक है तो नॉट करेक्ट पूछा है तो लेट मी सी इन द नेक्स्ट ऑप्शन इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश दिस इज एब्सोटली करेक्ट बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश दिस इज करेक्ट द खजुराओ टेम्पल वॉज बिल्ट अंडर द चंद किंग यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट द हो टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो ऑप्शन बी सी एंड डी इज करेक्ट सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग

इज एसोसिएटेड विद विथ एंड डन फॉर हु फॉलोइंग सो इट बिलोंग्स टू बाहुबली महामस्तका अभिषेका याद की जय बाहुबली मूवी उससे आपको अनुमान लग जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में महामस्तका अभिषेका It's a great religious event. So let me read the explanation. mahamastka Vishaka, which is the great religious event, is associated with the Lord Bahubali. This ceremony used to be held in the interval of 12 years. Time in the servant town in Karnataka. There is a huge statue of God sent of Gomteshwar Bahubali. you they have a statue statue and Osi type statue. Its site is 57 feet. So this is the this is the question number 53. And I think this is the last question. So let me wrap it out. And in the next chapter, that is Saiva Bhag Bhagavata and religion I will read in the next. So if you like this MCQ series let me let me know and I will continue this series like anything. So stay tuned.